kala pare. आणि आयुष्यात जोपणाऱ्या ह्या सगळ्या लोककलावंतांना मानलं पाहिजे. आणि त्या तुला मुलाचं नाव विद्य बालन. हाँ हाँ चेहरा नहीं आ रहा है सामने. हाँ बस बस बिल्कुल परफेक्ट है. तो मैंने उसको गाने से पहले कई लोगों की गाई हुई लावणी सुनी, जिसमें सुलोचना ताई का भी सुना मैंने सुना. तब मुझे लगा कि यार हम तो गा ही नहीं सकते, इतना मुश्किल काम है. क्योंकि लावणी सिंगिंग क्लासिकल सिंगिंग है, इसमें आपको तान सरगम सब आना चाहिए. अगर तान मुर्कियाँ गले में नहीं है तो लावणी नहीं गा सकते. तो मैंने कई कलाकारों को सुना, सुलोचना ताई को भी सुना, और फिर मैंने वो गाया भोला भंडारी साईं भोला भंडारी. आपको याद होगा मैंने और दिलराज कौर ने गाया था. अब तो गा ही नहीं सकते यार इतना, लेकिन मैं आपको दो लाइन एक सुनाता हूँ. उसके बाद मुझे भी पहुँचना है, मेरा 7:30 जून हरे कृष्ण मंदिर हॉल में कॉन्सर्ट है. लेकिन मैं आपको दो लाइन सुना के जाता हूँ. मैं तो ये कहूँगा कि संसार में ऐसे काम लोग कम करते हैं. मैं कुछ पिक्चर्स देख रहा था और वो पिक्चर्स देख के एक पे मैंने इनको ये कहा कि ये जो ब्लैक एंड वाइट इन्होंने पिक्चर ली है, ये इंटरनेशनल अवार्ड आराम से जीत सकती है अगर इसको वो बना देते. इतना खूबसूरत उसमें वो पोज है, खूबसूरत फीलिंग है, नेचुरल है. वो बिल्कुल किया नहीं गया है, वो अपने आप हो गया है. तो मैं समझता हूँ कि इनको पूरे विश्व में सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है. मुझे बहुत खुशी है कि आज एक से एक खूबसूरत यहाँ आइटम आपके सामने पेश की जाएंगे, जिसमें लावणी भी है. ये सब सजी सजी जो राधा बैठी है ना, इतनी सारी, इन सब ने खूब तैयारी की है. मैंने 40-42 साल पहले एक फिल्म में गाना गाया था. फिल्म का नाम था शिरडी के साईं बाबा. पिक्चर किया है ऑन कैमरा और पद्मश्री सुधारक ओलवे हैं, और क्या कहना है. हाउ डू यू फील विद्या बालन? हाउ डू यू फील दैट विद्या बालन इज योर? दिस इज अ ट्रू आर्टिस्ट. यू नो वो यहाँ आए और उन्होंने जो ओकेजन को ग्रेस किया है, शी इज ग्रेसफुल एक्टर एंड वी एडोर एंड लव हर एज एन एक्टर. शी इज ऑलवेज डज डिफरेंट फिल्म्स, नॉट टिपिकल, एंड शी इज ऑप्ट फॉर दिस सोशल सब्जेक्ट व्हिच इज हियर. एंड आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हर माय होल लाइफ. Create a social impact to touch people's lives, to change people's lives. गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है और इस बात की मुझे बहुत खुशी है. आरआरआर की पूरी टीम को बहुत 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 मुबारक. हम सब हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बात है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज भी यहाँ इस एग्जीबिशन में आया हूँ. मुझे तो बहुत शौक है चित्रकारी का, मूर्तिकारी का. तो जगह जगह जाके देखता हूँ, कुछ पेंट भी करता हूँ कभी कभी. तो आज यहाँ जो मैंने ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो देखी है, वो जो पिक्चर देखी है, मैं उससे हैरान हूँ.
इतना खूबसूरत काम हमारे सुधारक हैं इनको तो विश्व की ओर से पूरे विश्व से सम्मान मिलना चाहिए। और साथ ही साथ आज जो कुछ आइटम्स हो रहे हैं जिसमें लावणी भी है उसका भी मैं मज़ा दूंगा क्योंकि लावणी मुझे बहुत पसंद है। मैंने लावणी गाई थी फिल्म श्री के साईं बाबा में। तो आज आप सब भी आनंद कीजिए और मैं भी आनंद करूँ उस लिए हम लोग यहाँ पर आए। जी सर आप क्या कहेंगे कृतिका जी? कृतिका ने तो गाया इतना अच्छा बोलो कुछ उसके बारे में। अच्छा लगा मतलब मेरा सपना था कि मैं सर के सामने उनके गानों को पेश करूं और आज वो सुधारक जी की वजह से हो भी पाया पॉसिबल। और इसके लिए मैं प्रीतम जी को भी थैंक्स बोलती हूँ प्रीतम शर्मा जी को कि उन्होंने मुझे सुधारक जी से मिलवाया। काफ़ी आज एक मैं पहली बार ही देखने वाली हूँ और मैं बहुत एंजॉय करूँगी। दो शब्द पूछे गए क्या करना है? हाँ यही कहना है कि जो संगीत है उसके लिए अभ्यास करना चाहिए और कृतिका अभ्यास कर रही है उसने गाया बहुत।